क्या होते हैं आपके पास? ग्रिल फिश, मलाई पोटी, टिक्का पोटी, चिकन पीस, चिकन को आप बीफ को आप। अच्छा, कब से लगा रहे हैं ये आप? ये 5 साल। 5 साल हो गए इसी जगह पे? इसी जगह। ये जी फिश रेडी हो गई है जी हमारी, जो है ना कांटे निकल है। अच्छा, मैं ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ऑन प्लानेट, एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा और मैं हूँ इस वक्त मौजूद इलामा इकबाल टाउन के गुलशन ब्लॉक में। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे छोटे जेम्स या छोटे छोटे सेटअप में भी इतना टेस्ट होता है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, ये भी इकबाल टाउन के एक गुलशन ब्लॉक में एक बहुत छोटा सा स्ट्रीट फूड सेटअप है और बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से ये बारबेक्यू करते हैं और मैं आपको इसकी एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताऊँ तो, अगर आप मेन बुलेवर्ड से आ रहे हैं, मेन बुलेवर्ड से आगे गुलशन ब्लॉक का जो टर्न आता है आपने वो राइट टर्न करना है। आप थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड पर आएगा। और अगर आप स्कीम मोड वाली साइड पर आ रहे हैं या दुबई चौक वाली साइड से आ रहे हैं तो आपने वहाँ से राइट लेना है और राइट टर्न करते ही बिल्कुल ये फिर भी आपके लेफ़्ट साइड पर ही आएगा। तो चलें चल के इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि ये कब से यहाँ पर कर रहे हैं और इनके पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल होती है और अपना ऑर्डर भी प्लेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से लगा रहे हैं ये आप? ये 5 साल। 5 साल हो गए इसी जगह पे? इसी जगह। क्या क्या होते हैं आपके पास? ग्रिल फिश, मलाई पोटी, टिक्का पोटी, चिकन पीस, चिकन को आप बीफ को आप। अच्छा, सारे बारबेक्यू की आइटम है? हाँ सारे है। ये देखिए जी, ये फिश लग रही है, वहाँ पे चिकन कबाब हैं, ये सारे चिकन कबाब ही हैं जी जी, और वो चिकन टिक्का लग रहा है। तो किस तरह है जी, क्या हिसाब किताब है, क्या रेट शेट है? ग्रिल फिश 1000 रुपये के जी, मलाई बोटी 1000 रुपये के जी, और कबाब चिकन का 750 रुपये के जी है, टिक्का बोटी भी 750 रुपये के जी है, फीस जो है वो 220 रुपये का। अच्छा, लेग लें या चेस्ट लें? कोई भी, कोई भी, दोनों का रेट है। और बीफ कबाब कितने का? वो 140 रुपये का। 140 रुपये का एक कबाब, वो भी किलो के हिसाब से? जी जी, 1100 रुपये किलो। 1100 रुपये किलो। अपना सर मोहम्मद इशफाक नाम है, ख्वाजा गरीब नवाज। मोहम्मद? मोहम्मद इशफाक, ख्वाजा गरीब नवाज। बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, ये पुराने कस्टमर्स हैं इनके, कह रहे हैं कि जब से ये बना है तब से ये यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा ज़रा कैमरा शाए हैं, दे आर रिलक्टेंट टू टॉक। ये देखिए जी, ये चिकन टिक्का पड़ा हुआ है, वो कबाब का मटेरियल है, वो मेरे से लेग पीस है, और ये यहाँ पे सारी चीज़ें सीखों पे पड़ी हुई हैं। और ये देखिए जी, ये फिश पड़ी हुई है, फिश रेडी हो गई है जी हमारी, रेडी नहीं मेरा मतलब है, फिश तोली जा रही है। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे मेरा ऑर्डर रेडी हो रहा है। तो चलें, तब तक मैंने सोचा है कि जब तक ऑर्डर आता है तब तक थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप काइंडली इसी तरह मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर सपोर्ट एंड योर इनकरेजमेंट। इट द चैनल, आई मीन एनी चैनल, वट एवर द टॉपिक इज़, चाहे वो फूड है, चाहे वो टेक है, या चाहे वो इंटरटेनमेंट शो बेस है, विदाउट ऑडियंस सपोर्ट इट्स नथिंग। अगर कोई समझता है कि जी वो अपना खुद से कॉन्टेंट बना के खुद से ही वो अपने चैनल को चला लेगा, तो आई डोंट थिंक सो, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ इट्स नॉट पॉसिबल। बाज़ दफ़ा मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्राइस मेंशन नहीं करते हैं, तो प्राइस
डेलिब्रेटली मैं मेंशन नहीं करता हूँ अपने चैनल के ऊपर किसी भी फूड प्रोडक्ट की। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप किसी भी फूड आउटलेट पे जाते हैं तो हर एक आजकल इतना इन्फ्लेशन इंक्रीज़ अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं कि प्राइजेज फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। प्राइजेज आज आप जाते हैं कुछ और होती है, कल को जाते हैं प्राइस कुछ और। तो वो आप जब किसी मेरी वीडियो को देखते या कोई भी मेरी वीडियो को देख के उस पर्टिकुलर चैनल पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे या आउटलेट पे जाता है तो वो प्राइस कोट करेगा जो मैंने वहाँ पे प्राइस मेंशन की होगी। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा जो रेस्टोरेंट ऑनर है या जो रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट है उसके लिए वो थोड़ा सा वो चीज़ ऑकवर्ड हो जाती है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कस्टमर समटाइम बहुत मुश्किल से उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्राइस नहीं है या ये प्राइस पुरानी है या प्राइस बढ़ाने की असल में रीज़न क्या है। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। चलें मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्योंकि बारबेक्यू में यूनो डैट के जी फ्रेश बारबेक्यू बन रहा होता है तो उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है। तो मेरा ऑर्डर आता है, मैं टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके बताऊँगा भी कैसा फ्लेवर है, क्या किस तरह से वो उनका मसाला कैसा है, उसका नमक या एवरीथिंग। आई मीन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। साहब मछली बारबेक्यू होने में ज़्यादा टाइम लगता है? जी जी 25 मिनट। उसकी क्या वजह है? हल्की आग पे अच्छी तरीके से बन जाती है। अच्छा, इसलिए आपने उसके लिए ज़रा थोड़ा सा साइड पर करके रखा है? मुश्ताक साहब, इसके साथ आप क्या खिला रहे हैं? नान खिला रहे हैं या रोटी या क्या? आप बताएं क्या बेस्ट है आपके लिए? दो रोटियां साथ करवा रहे हैं, दो नान करवा रहे हैं, दोनों का मजा ले। जनाब ये देखिए जी, ये ऑर्डर आ चुका है मेरा। अभी थोड़ा सा लिमिटेड ऑर्डर आया है। ये है चिकन कबाब, ये है मलाई बोटी, उसके साथ जी ये देखिए जी ये रायता है और बाकी ऑर्डर आ रहा है। तो उतनी देर हम ये इतना टेस्ट करते हैं। और ये बाकी ऑर्डर भी आ गया। ये है चिकन टिक्का, ये मलाई बोटी, ये सीख कबाब और ये रायता। चलिए जी मलाई बोटी भी ट्राई करते हैं, इनकी काफ़ी गर्म है। आप तुम्हें देख रहे होंगे निकलते हुए। काफ़ी गर्म है, अगर थोड़ा सा वेट करते हैं, मौसम ठंडा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है जी मलाई बोटी। और ये देखिए जी ज़बरदस्त फिश भी आ गई है। गर्मा गर्म फिश, ग्रिल्ड फिश। और ये भी ट्राई कर लेते हैं जी, चिकन टिक्का। अमेजिंग फ्लेवर, ज़बरदस्त फ्लेवर, नरम, मुंह में जाते ही घुलने वाला। अमेजिंग, आ जाओ। अब ये फिश की बारी, फिश को ज़रा देखते ही ज़रा थोड़ा सा देखें, कांटे नज़र आना शुरू हो गई। यही कांटा कहते हैं ना पंजाबी में, हादसे का पड़ासा भी कर सकता है। इसमें फिश में मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि कोई कांटा नहीं होगा।
फिश में इनकी फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ बाय द वे। आई एम नॉट अ बाय द वे सी फूड लवर बट फिश जिसमें वो एक होता है ना हीक सी होती है मैं वो नहीं खा सकता लेकिन दिस फिश इज अमेजिंग जबरदस्त। ये तो नान रोटी के बगैर भी बारबेक्यू इज रियली अमेजिंग। मुझे बिल्कुल भी खाते में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ। हाँ 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 जबरदस्त जी। इनकी मलाई बोटी, इनकी फिश। अब एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी, बीफ कबाब। आज गालबन कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से शायद जो मुझे बता रहे हैं वो नहीं दस्तयाब हैं, वरना इनके बीफ कबाब भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं ज़रा खाने से इंसाफ कर लूँ और एंड में आपको मेरी वीडियो से पता चल गया होगा कि मेरा क्या फीडबैक हो सकता है, लेकिन एक फ़ाइनल वर्डिक्ट देना लाजमी होता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में देता हूँ। तो मैं ज़रा खाना खा लूँ। तो ये था मेरा आज का विज़िट ख्वाजा गरीब नवाज़, जो बारबेक्यू का यहाँ स्पॉट है गुलशन इकबाल। लोकेशन मैंने आपको बता दी और मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ। आप रही बात टेस्ट की, तो जनाब सबसे पहले तो टेस्ट इज़ रियली अमेजिंग। अगर आपने और प्राइस सबसे बात जो टेस्ट है, टेस्ट के साथ साथ जो प्राइस है वो भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपको भी इस तरह के जो कोई इस तरह का स्ट्रीट सेटअप पता चलता है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके टेस्ट करें और एक दफ़ा एक ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक दिन यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है उनके साथ ट्राई किया था और उस दिन से हम यहाँ पे मेरे ख्याल से इनके जब भी बारबेक्यू अक्सर खाने का मौका मिलता है तो यहाँ पर हम रेगुलर इसी जगह को ही पिक करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।